हाउसिंग बोर्ड का लीड जनहिता। यार ट्रेडर्स टाइल्स एंड सैनिटरी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जरसला हमारे यहाँ यूपीवीसी सीपीवीसी पाइप वाटर टैंक वॉल टाइल्स फ्लोरिंग टाइल्स पैरीवेयर की सैनिटरी वाजबी दामों पर दस्तियाब है, इस्तेफादा हासिल करें। वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं J11 न्यूज़ चैनल, आइए देखते हैं आज की अहम खबर। नईम अख्तर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि तांडूर से खवातीन और मर्द बड़ी तादाद में तेलुगुदेशम पार्टी में शामिल होकर तांडूर तेलुगुदेशम हलके असम्बली के कन्वीनियर सैयद मुजीब हुसैन की क़यादत में तेलंगाना तेलुगुदेशम के रियासती सदर कासानी ज्ञानेश्वर से मुलाकात कर रहे हैं। मोहम्मद शाहिद आमिर समीर पटेल सैयद यूनुस सैयद आदिल सैयद खयूम फेरोज़ बेग शेख शाहिद शेख नवाज सैयद नुमान शेख शोएब भी इस मौके पर मौजूद थे। के अंदर तेलंगाना TDP प्रेसिडेंट जनाब कासानी ज्ञानेश्वर साहब को बनाया गया है। 10 तारीख के दिन उन्हें उस सीट पे बिठाने का प्रोग्राम रखा गया है। 10 तारीख के दिन सुबह 10 बजे उनका सम्मान NTR भवन में है। यहाँ से तांडूर के अंदर कसरी तादाद में NTR भवन को 10 तारीख के दिन सुबह 5 बजे यहाँ से काफिला ज्ञानेश्वर अन्ना से मुलाकात करने उनका सम्मान करने के लिए जा रहा है। बहुत खुशी है, आप लोगों को ये मालूम भी होना चाहिए तेलंगाना के अंदर TDP कमज़ोर पड़ गई थी। जब से हमारे ज्ञानेश्वर अन्ना TDP का खंडवा डाल लिए हैं, अब जब से आज तक जो हलचल चालू हुई है इंशाल्लाह 10 तारीख के बाद भी ये हलचल चालू रहेगी। मैं आप लोगों के ताउन से आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं और ज्ञानेश्वर अन्ना के तरफ से पूरे तांडूर के आवाम को भी मुबारकबाद देता हूं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, इसलिए कि हमेशा तांडूर के अंदर उन्होंने कई कामा किए। इससे पहले रमज़ान में भी एक इफ्तार पार्टी रखे थे और हिंदू भाइयों को मुसलमानों को अंदरूनी तरीके से बहुत तरीके से उनका साथ रहा है और आइंदा भी साथ उनका रहेगा और आगे आने वाले दिनों में तांडूर कांसासी से ज्ञानेश्वर अन्ना MLA के लिए यहाँ से लड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग उनसे भी ये गुजारिश कर रहे हैं साहब, आप तांडूर के तरफ नज़र रखें, उनका भी नज़रिया तांडूर के तरफ बहुत अच्छा है। तांडूर के अंदर ज्ञानेश्वर अन्ना का नाम इतना अच्छा है, उन अगर आके यहाँ पर ठहरे तो भी जीत जाएंगे, मगर वक्त की हालत क्या होता आगे, वक्त क्या करवट बदलता ये नहीं मालूम। आज हमें भी बहुत फख्र हो रहा है उनके साथ काम करने से, हमें जो उन्हें मुकाम दिए अभी फिलोखत कांसेंसी की जिम्मेदारी ये काम की जिम्मेदारी उन्होंने हमारे को दिए, हम काम उनसे कर रहे हैं। आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए हम लोग तेलंगाना के वास्ते दिन रात मेहनत करके तेलंगाना हासिल करे, मगर एक भी आदमी आज तक तेलंगाना मूवमेंट में काम करे सो वाले को कोई भी नहीं पूछा। KCR साहब की भी इसमें लापरवाही है, यहाँ के लीडरों की भी इसमें लापरवाही है, एक काउंसलर को टिकट तक नहीं दिए, एक नामनेट पोस्ट नहीं, एक कॉप्शन मेंबर नहीं, तेलंगाना मूवमेंट में जो काम कर रहे हैं उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी ये अल्लाह को मालूम उनको मालूम, मगर जब कोई आदमी मेहनत करता है होम के लिए या अपने देश के लिए अपने तेलंगाना के लिए उसे भी एक मौका मिलना चाहिए था, मगर बहुत अफसोस हो रहा है ये मौका हमें हासिल नहीं हुआ। इसलिए हम सब लोग मिलके तेलंगाना TDP में ज्ञानेश्वर अन्ना की क़यादत में हम लोग सब TDP में ज्वाइन हो रहे हैं। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म कर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें।